सुप्रभात बच्चों, मैं आपसे फिर हाजिर हूँ आपके पास लेकर आपका हिंदी रिमझिम का पार्ट थ्री। ठीक है, आपने क्वेश्चन आंसर सब कर दिया है तो बुक में। अच्छा, तो वेरी गुड। तो आज हम क्या करेंगे ना, आपका रिमझिम बुक का जो बच्चा हुआ जो क्वेश्चन आंसर है जो हमने उस दिन छोड़ दिया था उसको हम आज फिर से शुरू करेंगे। तो प्लीज़ आप अपना बुक का पेज नंबर 16 निकालिए, ये वाला पेज। ठीक है, अच्छा तो पहला क्वेश्चन दिया है मिलाओ। पहले आपको क्या करना है ना, ये वाला चित्र जो दिया है आपको मिलान करना है। यहाँ पे कुछ शब्द लिखा हुआ है, वो शब्द जो भी है वो पिक्चर को आपको मिलाना है कि वो पिक्चर जो है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे लिखा है ठेला। अच्छा बताइए ठेला कौन सा है इसमें, ये। वेरी गुड, तो इसको जोड़ दीजिए, ऐसे एरो मार्क करके ऐसे उसको जोड़ दीजिए। उसके बाद है झूला। अच्छा झूला कौन सा है इसमें, ये वाला पार्क में देखा है, तो इसको आप भी जोड़ दीजिए। अच्छा उसके बाद लिखा है पेड़। पेड़ कौन सा है, ये वाला, तो क्या करेंगे ना इधर एरो मार्क ले लेंगे, तो इसको जोड़ दीजिए। उसके बाद गठरी कौन है, ये जिसमें हम अपनी सामान जो है वो भर कर रखते हैं, तो गठरी। ठीक है, अच्छा अब फिर चलते हैं दो नंबर क्वेश्चन की तरफ। दो नंबर पे लिखा है खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। आपको क्या करना है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको खाली जगह में कि ये वो चीज़ें कौन सी है उनका नाम लिखना है और उसके पीछे एक बच्चों का चित्र भी बनाना है जो वो छुपा हुआ है। ठीक है, अच्छा पहले तो उसने दे दिया है कि आपको किस तरह से करना है ना, पेड़ के पीछे। और ये देखिए ये क्या है ना, मेज के नीचे, ये है आपका मेज जो है टेबल। ये क्या है, चारपाई, बिल्कुल सही, तो ये है आपका चारपाई। और ये झाड़ी, झाड़ी के पीछे, कि आपको फिर इसको लिखने के बाद क्या करना है ना, बच्चा इसके अंदर छुपा हुआ होगा उसका एक चित्र भी बनाना है। ठीक है, आप सब खुद कर लोगे ना, वेरी गुड। अच्छा बच्चों अब आप अपना पेज नंबर 17 को निकालिए। ठीक है, दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। लिखा है पकड़न पकाई। क्या करना है ना, यहाँ पर कुछ लेटर लिखा हुआ है, अक्षर। ठीक है, आपको उन अक्षरों को पहचानना है। और क्या करना है ना, यहाँ पे दिया है एक बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है ना, उनका नाम लिखना है। कैसे, मैं भी आपको अभी लिख के दिखाती हूँ। अच्छा बच्चों आप पहले देखते हैं ठ में कौन सा है। अच्छा ठ में कौन सा है, पहले एग्जाम्पल उसने दे दिया है कि म और यहाँ पे के छ है, कि वो दोनों शब्दों के अंदर ये अक्षर जरूर होना चाहिए। कैसे ना, म से मछली, तो मछली में म है, और यहाँ पे लिखा है छ, तो अच्छा मछली में छ है कि नहीं है, बिल्कुल सही, मछली तो छ है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बना के देखेंगे कि हम कैसे उस लेटर को शब्दों की सहायता से लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम अक्षरों को लिख लेते हैं कि हमें कौन सी अक्षर में शब्दों को लिखना है। ठीक है बच्चों, अच्छा पहले लिखा है मछली, तो म भी है और छ भी है, तो इसका मतलब जो बॉक्स में म होगा और छ होगा हमें वो नाम को वहीं पे लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मछली क्योंकि इसमें छ है। अच्छा इसमें म भी तो है मछली में, तो क्या करेंगे ना, म भी यहाँ पे है तो मछली यहाँ पे भी लिखेंगे, इसका मतलब हमने दो बार लिखा है। उसके बाद ऊपर को चलते हैं, ये तो आपका एग्जाम्पल था जो उसने दे दिया है, ठ लिखा है। अच्छा बताइए इसमें ठ वाली चीजें क्या है, पीछे वाले पेज में पढ़ा था, बिल्कुल सही, गठरी,
तो क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे गठरी, ग ठ र में बड़ी ई, गठरी। अच्छा और क्या है इसमें बताइए, और क्या है इसमें जिसमें ठ होगा? ठेला, वेरी गुड, ठेला। अच्छा फिर आया, ये तो हमारा म चला गया है, अब हम न की तरफ चलते हैं। अच्छा न में यहाँ पे कौन सा चीजें दिखाई दे रहे हैं आपको? नल। कैसे ना, जिसमें पानी आता है, बिल्कुल सही। तो ढूंढते हैं न वाले अक्षर कहाँ पे है, कौन से बॉक्स में है? ना ये लास्ट वाला बॉक्स में है। तो हम अभी क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे नल, ठीक है। अच्छा तो फिर उसके बाद चलते हैं अ की तरफ। अच्छा न में और कोई चीज है क्या यहाँ पे? है, कौन सा बल्ला? अनार, वेरी गुड। तो अनार भी लिखेंगे क्योंकि अनार में न भी है, ठीक है। अच्छा और कुछ है क्या इसमें? नाव, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो नाव, ओके। तो हमने नौ से तीन नाम लिख लिए, और तो कुछ है नहीं। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट अक्षर की तरफ, जैसे अ। अच्छा अ में ढूंढिए, अ में यहाँ पे कौन कौन से पिक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको जिसकी शुरुआत या बीच में अ होगा? अनार, वेरी गुड। तो हम लिखेंगे अनार क्योंकि इसमें न भी है और म भी है। अच्छा ढूंढिए और कहीं अ में कुछ है क्या? है, कौन सा वाला? पहले पढ़ा है, वेरी गुड, अलमारी। ओके अलमारी। अच्छा अभी बताइए और कुछ छ में है क्या, क्योंकि उसके नीचे छ है। तो देखिए एक पिक्चर बाकी रह गया, वेरी गुड, छतरी। तो हम क्या करेंगे ना, छ त री, छतरी, जिसको हम बोलते हैं छाता। ओके बच्चों, तो जितना हमारा पिक्चर था उसको हमने सब लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बॉक्स का जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि यहाँ मछली दो बार लिखा गया है। तो क्या किसी और चीज का नाम भी तुमने दो बार लिखा है? अच्छा बताइए इनमें जो बॉक्स में मैंने लिखा है, इनमें दो दो बार हमने और क्या क्या शब्द लिखा है मछली को छोड़कर, ठीक है। क्या लिखा है? अनार, वेरी गुड, ये वाला और ये वाला। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिख देंगे अनार, ठीक है। अच्छा और कुछ है क्या जिसमें हमने दो बार लिखा हो? अच्छा एक तो हमने छोड़ ही दिया है, मछली में और अलमारी दोनों में लॉ शब्द भी यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे ना, अलमारी। तो हम अलमारी भी दो बार लिखा है, ये वाला और ये वाला, तो हम उसको भी लिख देंगे। ठीक है, तो यही दो शब्द है जिनको हमने दो बार प्रयोग किया है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पार्ट थ्री का, जो झूला चैप्टर का पार्ट थ्री का क्वेश्चन आंसर। तो उम्मीद है कि आप सबने जिस तरह से मैंने आपको समझाया है तो आपने सब उसको कर दिया होगा, ठीक है। और इसको बुक वर और आपका कॉपी में भी उसको उतार देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम आपके लिए बनाएंगे वो है आपका चैप्टर 2, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय बच्चों।